जी सर, तो हम इसके ये अलावा मैं आपको थोड़ा सा अब परंपरागत रूप से भी बात बताता हूँ। जैसे नौले, क्योंकि नौला सबसे छोटा रूप है या खाल या धारे, तो इसको ऐसा नहीं है कि इनको बस ऐसे आ गए आपने वहाँ पे बस गए और आपने जो है वहाँ पर जो है बस इनका कोई ऐसे केयर नहीं किया। इसको एक तरीके से परंपरा से जोड़ा गया, परंपरा से ऐसे जोड़ा गया कि अगर आप किसी भी नौले का अगर आप विजिट करें, जैसे कुमाऊं में के नौले हों या फिर आपके गढ़वाल के नौले हों, यानी पहाड़ के कहीं पर भी नौले आप देखें, तो नौले का जो शेप आपको मिलेगा वो मंदिर नुमा मिलेगा। अब मंदिर नुमा मिल रहा है यानी कि यहाँ पे जल देवता हैं, और जल देवता में आपको हमेशा वहाँ पर पे विष्णु भगवान की प्रतिमा अवश्य मिलेगी। यानी कि उसको पूरा का पूरा धर्म के साथ जोड़ने के पीछे कारण ये, मतलब ये वैज्ञानिक कारण भी है। देखिए, जो जिसके करके हम हैं वही तो देवता है, और उसका पूजन ना हो या उसका संवर्धन ना हो या संरक्षण ना हो तो फिर हमारा एग्जिस्टेंस या मतलब हमारा जो स्रोत है वही खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि उत्तराखंड में अगर जीवन चाहिए तो जी जल, जंगल और जो जमीन है वो हमारे लिए एक देवता के समान है, जी और हमारे पूर्वजों ने उसे देवता की तरह हमारे सामने प्रस्तुत किया ताकि हम उनका संवर्धन और संरक्षण कर सकें। देखिए, इसीलिए हमारे यहाँ पर पे अगर आप बात करें, ये तो जल देवता की बात आई। दूसरे हमारे यहाँ पे परंपरागत जो रहे हैं उसमें जैसे बसंत ऋतु आई तो हमारे यहाँ पे फूलदेही का त्यौहार अभी हाल फिलहाल ही गया है। फूलदेही क्या है? वो जंगल के देवता देवता का पूजन करने का हमारा जो है एक त्यौहार रहा है। मतलब ये जो है परंपरा में हमारे डाल दिया गया है। इसके अलावा जब बरसातें आई तो हमें हरेला, आज हरेला ठीक है हम घर में बो रहे हैं, लेकिन ये हरेले का मतलब इतना भर नहीं है। इसका मतलब है कि आप और प्लांटेशन करें, और बरसातों में चूंकि वैज्ञानिक रूप से आप देखिए तो कोई भी पौधे को उगाना सबसे आसान जो है वो बरसातों में है, क्योंकि आपको सबसे बड़ा काम जल जो है वो देने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर से स्वतः ही जल आ रहा है। तो हरेले में प्लांटेशन का जो पहले से परंपरागत आ रहा है, आज का नहीं है, ये हजारों साल से हमारी परंपरा चल रही है, तो ये दिया गया है। अमित जी, इसमें एक और बात मैं जोड़ना चाहूँगा। जी मैं अपने गांव की परंपरा के बारे में बात करना चाहूँगा। उसमें क्या होता है कि जब भी हमारी कोई फसल पकती है, जी ये तो सत्य है कि उस फसल को पकने के बाद घर में हम अपने देवता को चढ़ाते हैं, लेकिन इसके अलावा हम दो और तरह के त्योहार का आयोजन करते हैं। एक तो हम ये करते हैं कि किसी जंगल में जाकर वो जो नई फसल है उस जंगल के देवता को, वो चाहे जैसे भी हो, ताकि जंगल में घास हो सके। कहने का मतलब हम एक अपनी इज्जत दे रहे हैं उन्हें, उन्हें एक रिस्पेक्ट दे रहे हैं ताकि हमारे जंगलों का संवर्धन हो सके। तो हम क्या करते हैं कि जंगल में जाके जंगल देवता की पूजा की जाती है और प्रॉपर त्योहार मनाया जाता है उस दिन के लिए, वो सारे खासकर वो लोग जो अपने जानवरों को उस जंगल में ले जाते हैं। तो यहाँ पर भी हम जंगल की एक तरह से रिस्पेक्ट करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा लोकल जमीन के देवता की हम पूजा करने के लिए हम जो भी लोकल वहाँ के जो ग्राम देवता जिन्हें कहा जाता है, उन ग्राम देवता की पूजा करने के लिए भी हम जाते हैं और वहाँ पर उनको हम अन्न का दान करते हैं। जी तो ये भी हम जंगल और जमीन से जुड़े हुए होने की बात कह सकते कह हैं। सकते हैं, बिल्कुल।